किसान संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर हिमाचल किसान सभा, सीटू महिला समिति व नौजवान सभा ने मिलकर मंडी शहर में धरना प्रदर्शन किया। जब से देश में किसान विरोधी 3 बिल पास हुए हैं, तब से किसान लगातार संघर्षरत हैं। किसान संगठन का मानना है कि तीनों बिल किसान और कृषि विरोधी हैं और बड़े कॉरपोरेट को खुली छूट इसके माध्यम से दी जाएगी, इसलिए इन बिलों को रद्द करना ही सही होगा। नौजवान सभा जिला सचिव सुरेश सरवाल ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को कुचलने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। संगठन सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले समय में सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो जो किसान संगठनों का राष्ट्रीय आह्वान होगा और एक निर्णायक लड़ाई के लिए जनता को प्रेरित करेगी। किसानों का जो समन्वय समिति है उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसी के तहत आज मंडी के सेरीमंच में भी किया जा रहा है। पिछले 20 दिन से किसान जो है संघर्षों के अंदर हैं, वो अपनी तीन मांगों को लेकर और उसके साथ साथ उन्होंने जो बिजली विधेयक 2020 है उसको भी जोड़ा है। वो ये मांग करें कि जो विधेयक 3 जो केंद्र की सरकार ने पास किए हैं उन तीनों विधेयकों को वापस दिया जाए, जिसके अंदर वो अभी निरंतर मांग कर रहे हैं। अभी सातों के सातों जो नेशनल हाईवे हैं जो दिल्ली को टच करते हैं, वो सभी को ब्लॉक कर दिया किसानों ने। और जिस तरीके से अभी सरकार जो आनाकानी कर रही है, जो पहले बोल रही थी कि तीनों बिल जो हैं बढ़िया हैं और ये जो है किसानों के पक्ष के अंदर है, पर अभी वो ये कहने के अंदर मजबूर हुई है कि ये जो बिल है इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं। हम ये कह रहे हैं कि तीनों बिल बड़े पूंजीपति बड़े कॉरपोरेट्स को जो फायदा पहुँचाने के लिए है और जिसके तहत कि किसानों की जमीन और किसानों को जो काम करते थे उनकी जो आने वाले समय के अंदर समस्या और बढ़ जाएगी, इसीलिए इन तीनों बिलों के खिलाफ आज भी प्रदर्शन हो रहा है। जब तक सरकार बातों को नहीं मानती है ये आंदोलन और तेज होगा और आने वाले समय के अंदर इस आंदोलन के अंदर हम यही कहना चाहते हैं कि हिमाचल के लोग अभी दिल्ली कूच कर चुके हैं, अभी और लोग भी जो है दिल्ली की तरफ जो बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर ये जल्द से जल्द ये बातें मानी नहीं गई तो आने वाले समय के अंदर ये संघर्ष और तेज होगा जो किसी भी रूप के अंदर जा सकता है।